चीज हमने स्टडी करनी है इन द गैस लॉज, दैट इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जिसका नाम क्या है, चार्ल्स लॉ। इसकी बेसिक डेफिनेशन वगैरह आप अपनी मैट्रिक वगैरह में पढ़ के आए होंगे, और जहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चार्ल्स लॉ है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1787 के अंदर इट वॉज अ फ्रेंच मैन, फ्रेंच साइंटिस्ट था, का नाम था जे चार्ल्स, जिसने इसको रिप्रेजेंट किया था, जिसने इसको प्रपोज किया था। ये बताता क्या, बेसिकली ये किसी भी गैस के वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है उसको बताता है कि किसी भी गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है, अगर इनको हम चेंज करें तो एक दूसरे पर क्या फर्क पड़ेगा। अब हम आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ कि ये लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या कहता है। दिस लॉ सेज कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कि वॉल्यूम जो किसी भी गैस का होता है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसकी कंडीशन कि जब हम प्रेशर को, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होगा जब तक, उस वक्त तक आपका जो आंसर है चार्ल्स लॉ होल्ड करेगा कि जब जो भी किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर आपने गैस को ठंडा कर दिया है, टेम्परेचर कम कर दिया है, तो इसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ये डायरेक्टली रिलेशन का मतलब ये होता है। और प्रेशर जो है जब तक रिमेन कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम चेंज ना करें, जिस तरह लास्ट टाइम हमने बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के पी और वी के दरमियान रिलेशन स्टडी किया था बॉयल्स लॉ में लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट करके बाकी जो उनसे दो हमारे पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, उनका आपस में रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, और इस लॉ का नाम है चार्ल्स लॉ। तो ये तो जनरल डेफिनेशन थी कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ और किसने प्रपोज किया और ये क्या कहता है। ये कहता है जी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रोवाइडेड द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, प्रेशर जो है वो चेंज ना हो। अब हम आ जाते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहती है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब भी हम इक्वालिटी का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, हम एक कांस्टेंट साथ ऐड करते हैं K T, K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू आएगी v ओवर t, उसमें भी हमने k की वैल्यू निकाल दी थी। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जब हम चेंज करेंगे किसी भी गैस के लिए, प्रेशर जब तक कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास जो उनकी रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी k के बराबर, ये वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर के अंदर गैस थी, ये गैस ए, इसका मैंने सबसे पहले वी वन और कोई खास टेम्परेचर था टी वन, इन दोनों की जब मैं रेशो लूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी के। यही गैस ए जब उठा के, गैस ए जब उठा के मैं डिफरेंट टेम्परेचर पे वी टू और टी टू पे ले जाऊंगा, तो अब इस डिफरेंट टेम्परेचर की जब मैं रेशो लूंगा तो उसका आंसर जो के है वो सेम होगा इस के,
ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह अब सेम गैस को अगर मैं कुछ नए टेम्परेचर और नए वॉल्यूम और नए टेम्परेचर के ऊपर ले जाऊं तो इन दोनों की रेशियो जो होती है वो भी के बराबर होगी। ये के इसके बराबर और ये वाला के इसके भी बराबर और ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ये कौन हमें बता रहा है? ये हमें बता रहा है चार्ल्स लॉ। अब यहाँ से हमारे पास k को अगर हम खत्म करें, v1 over t1 is equal to k, v2 over t2 is equal to k। अब अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो v1 t1 is equal to v2 over t2, ये इक्वेशन हमारे पास आती है। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन में ये इक्वेशन हमारे पास इस्तेमाल होगी। जैसे बॉयल्स लॉ में थी पी वी इज इक्वल टू पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, यहाँ पे क्या है वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू। क्या पता चल रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यहाँ से हम चार्ल्स लॉ की एक नई डेफिनेशन जो होती है वो निकालने जा रहे हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द टेम्परेचर। कंडीशन क्या है? जब भी आपने चार्ल्स लॉ का डिस्कस करना है आपने अपनी कंडीशन लिखनी नहीं भूलनी। कंडीशन के बगैर ये लॉ अप्रूव ही नहीं होता, लिहाजा कंडीशन लिखना कभी नहीं भूलें। प्रोवाइडेड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, के प्रेशर जब तक चेंज नहीं होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी। तो दिस इज व्हाट द चार्ल्स लॉ इज। यहाँ अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट और उसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म देखी है। अब हम इसका उसी तरह एक्सपेरिमेंटल जो है वेरिफिकेशन वो देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली किस तरह ये प्रूव होता है। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसी तरह से है, वो कहते हैं जी एक गैस है सिलेंडर, ये इसके ऊपर एक पिस्टन लगा है, फ्री पिस्टन है, मतलब ये क्या है मूवेबल पिस्टन है। प्रेशर जो है ये कोई पिस्टन जितना लगा रहा है ये उतना ही है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। इसका ये गैस का कुछ वॉल्यूम है वी वन और इसका कुछ टेम्परेचर है टी वन। इसको अगर आप उठा के इसी गैस को अगर आप उठा के एक बर्नर के नीचे ले जाएंगे, इसको गर्म करना शुरू कर देंगे, तो यही जो गैस है जो कि पहले इस वॉल्यूम पे थी अब ये बढ़ के इस वॉल्यूम पे आ जाएगी, ये पिस्टन उठ के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, अब उसका वॉल्यूम डिफरेंट हो गया और टेम्परेचर भी डिफरेंट हो गया। जब भी हमें पता किसी चीज को गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो हीटिंग से क्या होता है, हीटिंग कॉज दी एक्सपेंशन, चीजों के फैलने का जो वजह होती है दैट इज हीटिंग। एंड जब भी हम कूलिंग करते हैं किसी चीज की तो कूलिंग से क्या होता है, वो चीज कंप्रेस हो जाती है, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। सर्दियों में चीजें सिकुड़ती हैं, कंप्रेस होती हैं, गर्मियों में चीजें फैल जाती हैं। तो ये वही चीज है कि जब भी आप इसको हीट करेंगे इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर आप इसका डाटा लें और V1 और T1 की रेशियो देखें और V2 की और T2 की रेशियो देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। और यही चार्ल्स लॉ हमें बता रहा है कि दोनों की जो सी वैल्यूज हैं वो के बराबर होंगी, कॉन्स्टेंट होंगी। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी इसको वेरीफाई कर लिया। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ जिसमें ये वाली इक्वेशन हमारी इस्तेमाल होगी। अब अगर चार्ल्स लॉ होल्ड कर रहा है किसी गैस के लिए तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए कोई भी चीज अपनी निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरीके से देखें कि आपके पास एक गैस थी, जैसा गैस ये आपके पास जब पड़ी हुई थी तो आपके पास इसका वॉल्यूम भी पता था, आपको इसका टेम्परेचर भी पता था। आपने बाद में क्या किया, कुछ अर्से बाद आपने गैस को देखा जब,
तो गैस का वॉल्यूम जो था वो अब चेंज हो चुका है, आपको नहीं पता, लेकिन टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं, जो ये टेम्परेचर है ये अब आपको पता है। तो अब आप कैसे पता चलाएगा चलाएंगे कि इसका अब वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया? तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन आएगी, वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू। यहाँ पर अब ये इक्वेशन की मदद से ये दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे, नेक्स्ट टेम्परेचर आपको पता है तो आपके पास वी टू निकल आएगा। इसी तरह कोई भी कंडीशन जो हैं आपके पास, एक कंडीशन गिवन हो इनिशियल या फाइनल, और किसी में से दूसरी जो उनकी साइड है फाइनल कंडीशन या इनिशियल कंडीशन में से कोई एक पैरामीटर पता हो, तो चौथी चीज़ आप इजीली निकाल लेंगे। एक और चीज़ जिसकी अभी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगी, जो टेम्परेचर है ना, क्वेश्चन जब भी आपने सोल्व करने हैं न्यूमेरिकल, आपने टेम्परेचर आपको डिग्री सी में दिया है तो आपने उसको डिग्री सी में फॉर्मूलाज में पुट नहीं करना, आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करना। और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता है कि जितने डिग्री सी है अगर 10 है या 100 है तो आपने उसके अंदर सिंपली 273 जो उनसे हैं ऐड कर देने होते हैं। तो ये आपके पास डिग्री सी था अगर ये, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा अब केल्विन के अंदर। तो आपने जब भी क्वेश्चन यूज करनी है चार्ल्स लॉ की, मस्ट रिमेम्बर कि आपका जो टेम्परेचर का यूनिट है वो क्या हो, केल्विन। अब हम आते हैं आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। इसमें चार्ल्स लॉ की क्वेश्चन यूज करेगा, उसकी स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, इसका वॉल्यूम दे दिया है कितना, V1 250 सेंटीमीटर क्यूब इज कूल्ड फ्रॉम, कह रहे जी इसको हमने क्या किया है, ठंडा किया है, कहां से लेके कहां तक, 127 डिग्री सी टू -27 डिग्री सी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ठंडा किया है, तो ये T1 और ये T2। अब T1 क्या है, 127 डिग्री सी, लेकिन ये डिग्री सी है, हमें किस में चाहिए, हमें इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो इसके अंदर 273 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 370173 अगेन 0 और 400 केल्विन आपके पास ये हो जाएगा। T2 इज -27 +273, तो इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आता है 246 केल्विन। अब ये T1 और T2 की वैल्यू आप अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। वो कह रहा है जी बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, अब प्रेशर कांस्टेंट उसने बता दिया है तो ये एक बात हमें बता रही है कि हमने चार्ल्स लॉ को यूज करना है। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस, अब आपने क्या फाइंड करना है, V2। डेटा जो आपको गिवन था वो ये था, रिक्वायर्ड आपके पास क्या है ये, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें पहले अपना डेटा सारा लिस्ट डाउन कर लें ताकि आपको आसानी हो फार्मूलाज वगैरह को चूज करने में, और रिक्वायर्ड आपके पास ये है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हमें पता है कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, हम चार्ल्स लॉ को यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है जी, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। फाइंड मैंने क्या करना है, V2 और ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, अब मैं इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा। यहाँ से अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूं तो V2 बिकम्स इक्वल टू, ये किसके हो जाएगा, V1 ओवर T1 तो वैसे ही है, और मल्टीप्लाई बाय T2। अब सारी चीज़ें मैं इसके अंदर पुट करूँगा, 250 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन था उसका वॉल्यूम, T1 आपने 400 निकाल दिया, मल्टीप्लाई बाय T2 विच इज 246 केल्विन, ये भी केल्विन और ये सेंटीमीटर क्यूब, ये केल्विन केल्विन से कट जाएगा, V2 का आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर की मदद से, यू विल फाइंड द आंसर विच इज 153 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने अपना रिक्वायर्ड वॉल्यूम
निकाल लिया चार्ल्स लॉ की इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें जो कि हमने अभी तक देखी हैं। अब आगे थोड़ी सी एक कम्प्लेक्स चीज़ आ रही है, कम्प्लेक्स तो नहीं मगर थोड़ी सी टेक्निकल ज़रूर है जो कि आपको समझनी चाहिए, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट। अभी हमने ऊपर शुरू में जब बात की इसकी डेफिनेशन की तो हमने कहा जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो क्या होता है वो हमें देखना है। अब चार्ल्स लॉ जो है उसकी एक डेफिनेशन नए अंदाज में वो कर रहा है यहाँ पे, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं जी फॉर एवरी 1°C राइज और फॉल इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर में 1°C का इजाफा या 1°C को हम कम करें तो जो गैस का 0°C पे वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का 273rd पार्ट जो होता है 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऐड होता है या कम होता है। क्या मतलब, इसको दोबारा से समझ लें। 1°C अगर मैंने टेम्परेचर राइज किया है किसी भी गैस का, सपोज एक गैस मेरे पास 10°C पे थी, मैंने उसको 11°C पे लेके आया हूँ, तो जो 0°C पे उसका वॉल्यूम अगर 100 था तो उसके अंदर 1°C ऐड करने पर उसके अंदर जो वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, वो होगा उसका 100/273 उस वॉल्यूम का जो उसका 0°C पे था उसका 273rd हिस्सा जो है उसके अंदर ऐड होगा, तो हमारे पास पता चलेगा कि कितनी एक्सपेंशन हुई है। सही है, इसकी स्टेटमेंट बुक में भी दी हुई है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, किसी भी वॉल्यूम गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0°C। जो 0°C पे उसका वॉल्यूम था उसके अगर मैं 273 हिस्से करूं तो एक हिस्सा जो है ऐड होगा या कम होगा 1° राइज या फॉल के ऊपर। राइज करूंगा तो 1/273 जमा होगा, उसका वॉल्यूम राइज करने में ज्यादा होता है ना, हम गर्म कर रहे हैं, राइज करने का मतलब है गर्म करना, गर्म करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब 1/273 इसके अंदर ऐड होगा, और अगर हम उसको ठंडा कर रहे हैं तो 1/273 उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये नई डेफिनेशन जनती है हमारे पास आई है किसकी, चार्ल्स लॉ की। अब यहाँ पे एक वॉल्यूम की इक्वेशन भी वो बताता है हमें, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1/T/273। ये वही इक्वेशन, ये इक्वेशन बेसिकली वही चीज है जो हमने अभी स्टेटमेंट को स्टडी की है कि जो उसका अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वी टी है क्या, ये वी नॉट, वी टी इज द वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी, जो भी आपका टेम्परेचर है, वी नॉट इज वॉल्यूम एट 0°C और ये जो स्मॉल टी है दैट इज टेम्परेचर। इन सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी हम जिसको कहते हैं, यहां से अगर आप इसको देखें तो ये वही बात है जो भी हमने पढ़ी कि जो भी किसी गैस का वॉल्यूम ऑफ टी है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जिसका वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस 1/, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वी नॉट बाय 273 वही चीज है कि उसका 273वां हिस्सा उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये तो था सेंटीग्रेड के ऊपर, अब आप अगर अपनी बुक में देखें ना तो उसने एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर वो एक गैस का डाटा ले रहा है, गैस का वॉल्यूम है
उसके अगेंस्ट जो है टेम्परेचर ले रहा है डिग्री सी में, और डिग्री कैपिटल टी जिसका यूनिट केल्विन होता है, वो केल्विन में और सेंटीग्रेड में कंपेयर कर रहा है एक गैस के वॉल्यूम को, अगर आपकी बुक में आप टेबल देखें। अब उसने एक्सप्लेनेशन भी सारी दी हुई है, अगर आप उस डेटा को यूज करते हुए चार्ल्स लॉ की अप्रूव करने की कोशिश करें वी वन कोई से दो पॉइंट्स लेके वी टू ओवर टी टू, इस इक्वेशन को अगर आप प्रूव करें तो ये इक्वेशन जो है इसका आंसर कांस्टेंट आना चाहिए। लेकिन उस डेटे को यूज करते हुए अगर आप टेम्परेचर जो टेबल के अंदर डिग्री सी और केल्विन में दिया हुआ है, अगर आप एक दफा दो पॉइंट्स के लिए डिग्री सी वाला पुट करें तो आपका के जो होता है दोनों केस में इक्वल नहीं आता। लेकिन अगर आप केल्विन को पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, टेम्परेचर आप केल्विन में डाल दें, तो आपके पास जो होता है के की वैल्यू बराबर आती है दोनों केसेस में। तो इससे हमें पता क्या लगा कि जो चार्ल्स लॉ किस पे स्टैंड करता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपने याद रखनी है कि चार्ल्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन केल्विन स्केल। कभी भी चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते वक्त डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को आपने फॉर्मूले में पुट नहीं करना, उससे आंसर जुड़ते हैं फिर चार्ल्स लॉ होल्ड नहीं करेगा, चार्ल्स लॉ वहां पे फेल हो जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि चार्ल्स लॉ इज ओनली ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन स्केल। अब अगर हम केल्विन स्केल को अभी बात, तो एब्सोल्यूट जीरो वाली तो पीछे ही रह गई, ये भी तो हमने ये देखा कि जो आपका चार्ल्स लॉ है दैट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन केल्विन स्केल। अब हम आते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है। एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं अबाउट चार्ल्स लॉ, ये डिग्री सी, इधर मैंने अगर टेम्परेचर ले लिया और इधर मैंने वॉल्यूम लिया, और मैं इनकी अगर आपस में रिलेशन देखना है तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब स्ट्रेट लाइन तो आ गई, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर को मैं मजीद ठंडा करता जाऊं तो वॉल्यूम मजीद नीचे आएगा, ये बात हमने पढ़ी है चार्ल्स लॉ में। वो कहते हैं जी कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर जितना नीचे आएगा वॉल्यूम उतना नीचे आएगा। अगर मैं गैस लूं और उसको ठंडा करता जाऊं, उसका टेम्परेचर नीचे आता जाए आता जाए आता जाए, तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन कितना नीचे आएगा, अब आप मुझे बताएं कि वॉल्यूम जो है इस ग्राफ को अगर मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो -273.16 डिग्री सी के ऊपर इस ग्राफ की मदद से वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। सही है ना, जाहिर सी बात है, एक चीज को मैं ठंडा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, करता जाऊं कम करता जाऊं कम, तो ये जाहिर सी बात है एक वक्त आएगा कि जीरो को टच करेगा। अब किसी भी चीज का वॉल्यूम जीरो तो नहीं हो सकता, अगर वो चीज उसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर गैस है, जितना भी ठंडा कर दूं जितना भी वॉल्यूम कम हो जाए दैट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, जीरो तो नहीं हो सकता। लेकिन ग्राफ तो हमें ये बताता है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करते जाएं तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे वॉल्यूम ऑफ एनी गैस शुड बिकम इक्वल टू जीरो, होता तो नहीं है, हो सकता भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई गैस -273.16 डिग्री सी या जीरो केल्विन, अगर मैं इसके अंदर 273 ऐड करूं तो वो जीरो केल्विन बन जाएगा, जीरो केल्विन के ऊपर अगर वो गैस एग्जिस्ट करती है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ये बात हम पढ़ के आए हुए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। गैस को जब हम ठंडा करते हैं कूलिंग, तो हमें पता है कि वो लिक्विड बन जाती है, ठीक है। अब -273.16 डिग्री सी विच इज इक्वल टू जीरो केल्विन, ये जीरो केल्विन इज बेसिकली एब्सोल्यूट
0. सही है, -273.16 डिग्री सी या 0 केल्विन के ऊपर कोई भी गैस अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो उसका वॉल्यूम जो है वो 0 होगा. लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये टेम्परेचर जो सा है ये सबसे ठंडा टेम्परेचर है. गैस जब हम ठंडी करते हैं तो वो गैस से लिक्विड बन जाती है, इस टेम्परेचर तक वो गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती. अगर एग्जिस्ट करे तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाए, लेकिन गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है. तो इस टेम्परेचर के आने से पहले पहले फिर गैस नहीं रहती, वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड का टेम्परेचर जो है फिर लिक्विड के लिए लिक्विड की प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं. तो इस वजह से ये जो है एब्सोल्यूट जीरो जो हमने नया स्केल निकाला ये 0 केल्विन, ये होता है एब्सोल्यूट जीरो. ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर चार्ल्स लॉ के मुताबिक किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाना चाहिए. लेकिन 0 इस वजह से नहीं होता कि इस टेम्परेचर को पहुंचते पहुंचते गैस जो है गैस नहीं रहती, वो लिक्विड बन जाती. इसी वजह से -273.16 जो है डिग्री सी या 0 केल्विन ये हम कहते हैं जी कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस का वॉल्यूम ही 0 हो जाए, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये हाइपोथेटिकल है. ओरिजिनल अगर आप देखें आपके जितने भी माइनस में टेम्परेचर नेचुरली है, -100 तक जाता है अंटार्कटिका में, -120, लेकिन -273 तक जा ही नहीं सकता. तो ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है और ये एब्सोल्यूट जीरो है, दिस इज 0 केल्विन. तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको आइडिया होना चाहिए कि गैस गैस नहीं रहती, और अगर गैस गैस रहे इस टेम्परेचर पे तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाए. तो ये तो था आपके पास एब्सोल्यूट जीरो जो कि कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है. अब आखिर में हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं विच इज द कन्वर्जेंस, बेसिकली थर्मोमीट्री. थर्मोमीट्री अब क्या है, हमारे पास जो उनसे है ना बेसिकली डिफरेंट स्केल्स हैं ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. जैसे भी हमने बात की डिग्री सी है, डिग्री फारेनहाइट यूज होता है, केल्विन, और एक होता है डिग्री रैंकाइन. आप इस लेवल पे अभी ये तीन ही स्टडी करेंगे. रैंकाइन का कन्वर्जन मैं आपको बता दूंगा लेकिन अभी शायद आपके इस्तेमाल में ये नहीं आएगी. अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड की. सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड स्केल क्या होता है, हम बेसिकली जो है ना वाटर को अपना रेफरेंस यूज करते हैं, वाटर एज अ रेफरेंस. तो जो वाटर है वो 0 डिग्री सी के ऊपर आइस बनती है और बॉयल वो करता है 100 डिग्री सी के ऊपर. तो ये वाटर जो है वो बॉयल करता है, और इसके दरमियान में 0 से लेके 100 तक कितने पार्ट्स हैं, 100 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट क्या कहलाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये तो था सेंटीग्रेड यूनिट के वाटर 0 डिग्री सी पे बॉयल कर फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाती है, और 100 डिग्री सी पे वो बॉयल करता है, और इसके दरमियान में 100 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब आ गया फारेनहाइट टेम्परेचर. ये जो हम जब बुखार हो जाता है तो हम कहते हैं जी 101 या 102 बुखार है, तो 102 ये फारेनहाइट के अंदर होता है, 102 फारेनहाइट. अगर ये इसको आप ये समझेंगे किसी को 102 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड 100 सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल कर जाता है, तो 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंसान की बॉडी जो है वो मेल्ट हो जाएगी सारी की सारी. तो ये आप जो हम यूज करते हैं डेली लैंग्वेज में 103 बुखार हो गया, इतना हो गया, दैट इज इन फारेनहाइट. फारेनहाइट के अंदर क्या होता है कि जो वाटर बॉयल करता है 32 डिग्री फारेनहाइट पे, सॉरी वाटर आइस बनती है 32 डिग्री पे, और बॉयल करता है 212 डिग्री फारेनहाइट पे इसकी बॉयलिंग होती, और इसके दरमियान अगर आप गिने तो ये 180 पार्ट्स बनते हैं, और ईच पार्ट जो है 1 डिग्री फारेनहाइट कहलाता है. तो ये एक डिफरेंट स्केल है जो कि यूएसए वगैरह में यूज होता है, और ये सेंटीग्रेड है जो कि नॉर्मली बाकी कंट्रीज में यूज होता है.
पीछे आ गया केल्विन स्केल। केल्विन स्केल ये बेसिकली एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हम अपनी मेजॉरिटी कैलकुलेशंस में यही वाला टेम्परेचर जो है वो यूज करते हैं। अब वाटर इसके अंदर जो बॉयल कर फ्रीज करता है वो करता है जी 273 केल्विन पे और बॉयल करता है 373 केल्विन पे। उसी तरह इसके अंदर 100 पार्ट्स होते हैं और ईच पार्ट क्या होता है आपका एक केल्विन के बराबर होता है। अब आते हैं जो असल पार्ट है कन्वर्जन्स की तरफ, कि अगर आपके पास डिग्री फारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, आपने डिग्री सी में जाना है तो कैसे जाएंगे, आपको डिग्री सी में दिया है आपको डिग्री फारेनहाइट में जाना है तो कैसे जाएंगे, आपको डिग्री सी में दिया है आपने केल्विन में जाना है तो कैसे जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके तीन बेसिक फार्मूलाज होते हैं, वो आप याद कर लें तो आपके लिए कन्वर्जन जो हैं वो आसान हो जाएगी। सबसे पहली कन्वर्जन जो हम इधर करने जा रहे हैं दैट इज सिंपल वन, कि अगर आपने सेंटीग्रेड से जाना है केल्विन के अंदर, तो केल्विन के अंदर आंसर चाहिए तो ये कैसे आएगा कि जो भी आपका आंसर है डिग्री सेंटीग्रेड उसके अंदर सिंपली 273 ऐड कर दें। मैं कहता हूँ जी मेरे पास 10 डिग्री सी था तो मैंने केल्विन में जाने के लिए क्या करना है, इसके अंदर 273 ऐड कर देना, तो मैं कहूँगा जी 283 केल्विन आपका 10 डिग्री सी होता है। तो ये तो सिंपल कन्वर्जन है, आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। नेक्स्ट कन्वर्जन इज कि आपने फारेनहाइट से डिग्री सी में जाए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सी इज इक्वल टू 5/9 डिग्री एफ माइनस 32। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। अब ये 5/9 कहाँ से आया है, ये उसी तरह है कि उसके वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और उसके अंदर जो सा है 100 होता है और उसके पार्ट 180 होते हैं, इसको काटें तो ये 5/9 बनता है और फिर उसको माइनस 32 करना पड़ता है। तो ये इसकी डेरिवेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला आप सिंपली याद रखें कि जितना भी डिग्री फारेनहाइट दिया हुआ है उसको आप पुट करें इस फार्मूले के अंदर, ये सारी वैल्यूज 1.8 ये मल्टीप्लाई होके आंसर आपके पास डिग्री सी में आ जाएगा। थर्ड है जी उल्टी इसकी, डिग्री सी में आपको आंसर दिया हुआ है, आपको डिग्री फारेनहाइट में चाहिए, आपको गिवन इसके अंदर है और इसके अंदर आपने निकालना है। तो अब क्या होगा, अब ये इसका उल्टा हो जाएगा, सही है। इसी क्वेश्चन को अगर आपने एक ही क्वेश्चन याद कर लिया दूसरी आपके लिए आसान है, इसी क्वेश्चन से मैं एफ को निकालूंगा। इक्वेशन क्या थी, डिग्री सी इज इक्वल टू 5/9 डिग्री एफ माइनस 32। यहां से एफ को मैंने इधर ही रखना है, बाकी सारी चीजें उधर ले जानी है, तो ये हो जाएगा 9/5, 9 इधर मल्टीप्लाई 5 इधर डिवाइड डिग्री सी माइनस 32 है इधर आके प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री। तो ये आपके पास क्या होगा, आंसर आपका निकल आएगा डिग्री फारेनहाइट के अंदर। तो एक क्वेश्चन आप याद कर लें, दूसरी आपके लिए इजीली निकल आएगी। एक और यूनिट जो एक्स्ट्रा मैं आपको आज बता रहा हूँ दैट इज रैंकाइन। आप आगे चल के कभी स्टडी करेंगे केमिस्ट्री को डिटेल में तो ये यूनिट भी इस्तेमाल होता है। इसकी सिंपल सी कन्वर्जन है, जितने डिग्री फारेनहाइट आपके पास गिवन है उसके अंदर 460 अगर आप ऐड कर दें तो वो डिग्री रैंकाइन बन जाता है, आपके पास यूनिट जो है वो रैंकाइन में आ जाता है। अगर सपोज कर लें वो कहता है जी 40 फारेनहाइट है तो 40 डिग्री एफ प्लस 460, तो आप कहेंगे जी मेरे पास 500 रैंकाइन टेम्परेचर आ गया, तो ये रैंकाइन भी यूज होता है। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो कहते हैं जी कि कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर डिग्री फारेनहाइट बराबर हो जाता है डिग्री सी के, वो होता है जी माइनस 40। ये जो दो ही क्वेश्चन आपने ऊपर पढ़ी हैं इनके अंदर अगर आप माइनस 40 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी अभी, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर आप माइनस 40 पुट करें दोनों साइड से, ये भी माइनस 40 और ये भी माइनस 40, तो आंसर दोनों का जो है वो सेम आएगा। तो ये माइनस 40 इज दैट टेम्परेचर एट विच डिग्री फॉरन हाइट बिकम्स इक्वल टू डिग्री
सेंटीग्रेड। तो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अब जब हम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो इसमें हमें इसकी चेंजिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो इस आज के टॉपिक में अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, हमने सबसे पहले पढ़ा चार्ल्स लॉ, वो क्या होता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज टू टी और वी ओवर टी इज इक्वल टू के। फिर हमने उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी, एक एग्जाम्पल पढ़ी। फिर जो चीज़ हमने पढ़ी वो थी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो क्या होता है जीरो केल्विन या -273.16 डिग्री सी। ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन वो इस वजह से नहीं होता है कि ये टेम्परेचर पे गैस गैस नहीं रहती, लिक्विड बन चुकी होती है। इसकी डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं और लास्ट में हमने थर्मोमीटरी के स्केल पढ़े के डिग्री सी, डिग्री एफ और केल्विन मेन यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं और इनकी आपस में इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक अपना कवर करेंगे।